मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के आधार पर विभिन्न आनुवंशिक लक्षणों में उनके तुलनात्मक रूपों के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है। ये क्रॉसेस कहलाते संकरण कहलाते। इन दो प्रकार के संकरण का आज व्याख्या होगी। इसमें एक परीक्षण क्रॉस है, परीक्षण संकरण जिसको अंग्रेजी में टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और एक जो है बैक क्रॉस है जिसको कि एक पूर्व संकरण कहा जाता है। एक पूर्वज संकरण यानी दो तरह के संकरण की व्याख्या आज होगी। एक तरह का जो क्रॉस है तो टेस्ट क्रॉस, या हिंदी में इसको परीक्षण परीक्षण संकरण कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो क्रॉस है वो बैक क्रॉस कहलाता है। इसको हिंदी में एक पूर्वज संकरण कहा जाता है। एक पूर्वज संकरण, ये दो संकरण है, एक परीक्षण संकरण और एक पूर्व संकरण। अब इसको समझाए कि इस ये किस प्रकार का संकरण है और इस संकरण में क्या अंतर है, वो इस संकरण कराने का उद्देश्य क्या है, या फिर इस संकरण का प्रतिफल क्या निकलेगा, इसको उपयोग क्या है, दोनों परीक्षणों में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, और इन दोनों में अंतर क्या है, विभिन्नता क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इसको आज स्लाइड में समझा जाएगा। हम एक क्रॉस ले रहे हैं, ये कैपिटल टी, ये शुद्ध लंबा पौधा है, और स्मॉल टी ये शुद्ध नाटा पौधा है, बौना। ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। ये इनकी पितर पीढ़ी है, पेरेंटल जनरेशन, इसको इसे लिखते हैं। तो फिर संकरण कराया जाए तो प्रथम संतति पीढ़ी प्राप्त होगी। तो प्रथम संतति पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी यहाँ प्रभावी लक्षण उपस्थित है, इसलिए ये बाहर से देखने पर लंबा होगा, लेकिन इस ये विषम युग्मजी है, यानी एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इसलिए ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होगा, ये अशुद्ध लंबा पौधा कहलाएगा। क्योंकि ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है इसलिए इसको संकर कहा जाएगा, हाइब्रिड, संकर या हाइब्रिड। ये इनकी प्रथम संतति पीढ़ी है, फर्स्ट फेली जनरेशन, इसको एक वन से लिखा जाएगा। अब समस्या ये है कि हम बाहर से देखते हैं तो ये हमको लंबा पौधा दिखाई देता है। अब जब तक कि इसका जीनोटाइप हमको नहीं मालूम होगा तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये लंबा पौधा अपने गुण के लिए शुद्ध है या अशुद्ध है। हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा है, हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधों में लक्षणों के आधार पर जो परागण और निषेचन की क्रिया कराई और जो बीज प्राप्त हुआ, तो उस बीज का जमीन में रोपण किया, भूमि में रोपित किया उसको, उसके बाद जो पौधा प्राप्त हुआ वो लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये F1 पीढ़ी का जो पौधा है वो अपने गुणों के लिए शुद्ध है
या अपने गुणों के लिए अशुद्ध है, क्या वो सम युग्मजी है, क्या वो विषम युग्मजी है, यानी क्या वो होमोजाइमस होमोजाइगस है या फिर वो हेटरोजाइगस है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि F1 इज होमोजाइगस और F1 इज हेटरोजाइगस। ये समयुग्मजी है या फिर विषमयुग्मजी है। मंडल के सामने ये समस्या पैदा हुई। ये हमको फिनोटाइप दिखाई दे रहा है कि ये लंबा है, ये फिनोटाइप इसका है, ये लंबा है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी अगर न लिखे और सिर्फ ये कहे कि F1 के जो पौधे प्राप्त हुए वो लंबे पौधे थे, तो ये होगा फिनोटिपिकली फिनो, इसका जो फिनोटाइप होगा वो लंबा होगा, लेकिन क्या ये लंबा पौधा होमोजाइगस है, क्या ये लंबा पौधा हेटरोजाइगस है, क्या ये कैपिटल टी कैपिटल टी है, क्या ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर इसका पता लगाने के लिए हमको इस F1 हाइब्रिड और डोमिनेंट फिनोटाइप डोमिनेंट फिनोटाइप ठीक है प्रभावी समलक्षणी, इसको हिंदी में कहेंगे प्रभावी समलक्षणी। काफिर हमको क्रॉस कराना पड़ेगा इससे रेसेसिव पेरेंट्स, रेसेसिव पेरेंट यानी अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक। तो F1 हाइब्रिड हो गया हमारा कैपिटल डी स्मॉल टी और रेसेसिव अप्रभावी जनक हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अगर इनके बीच हम संकरण कराते हैं तो आप पनेट डायग्राम बना लिए, तो पनेट स्क्वायर डायग्राम में दो प्रकार के गैम मेल गैम और फीमेल, हमको कैपिटल टी स्मॉल टी ये और स्मॉल टी। तो फिर संकरण के बाद हमको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये और ये
ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कुल चार में से दो मिले, मतलब 50%। ये लंबे हुए लेकिन अशुद्ध हुए, यानी संकर लंबा। और ये स्मॉल्टे स्मॉल्टे, ये कुल चार में से दो मिले यानी 50%। शुद्ध नाट, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो F1 का पौधा मिल रहा है, ये फिनोटिपिकली जो है प्रभावी तो है, लेकिन क्या ये होमोजाइगस है या फिर हेटरोजाइगस है, या फिर एक सेंटेंस में कहें कि इसका जीनोटाइप क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम फिर F1 हाइब्रिड का क्रॉस जो है इन दो जनकों में से इस शुद्ध नाटे पौधे अप्रभावी लक्षण वाले, शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले जनक से कराएंगे। तो आप अगर हमको रिजल्ट इस तरह से मिलता है कि 50% हाइब्रिड मिलते हैं और 50% रेसेसिव, 50% हाइब्रिड संकर और 50% होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस समयुग्म जीव रेसेसिव अप्रभावी मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो F1 का हाइब्रिड जीव है वो फिर हेटरोजाइगस, वो हेटरोजाइगस होगा, यानी जो फिनोटाइप हमको डोमिनेंट फिनोटाइप जो मिल रहा है वो डोमिनेंट फिनोटाइप जो होगा वो हेटरोजाइगस होगा, यदि ये मिलता है तो इस तरह का। मतलब फिर F1 हाइब्रिड जो होगा या डोमिनेंट फिनोटाइप, ये जो होगा ये हेटरोजाइगस होगा, ये हेटरोजाइगस। तो इस प्रकार का जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस जो है यहाँ जो प्रभाव हुआ, इस संकरण को परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मतलब जब जनक पीढ़ी के मध्य संकरण के फलस्वरूप प्रथम संतति पीढ़ी में हमको संकर पौधा प्राप्त होता है या संकर जीव प्राप्त होता है, तो ये सामान्यतः हमेशा प्रभावी लक्षण वाला होता है। तो अब ये प्रभावी लक्षण का फिनोटाइप जो है वो समयुग्मजी होगा होमोजाइगस होगा या फिर विषमयुग्मजी होगा हेटरोजाइगस होगा, इसका पता लगाने के लिए हम परीक्षण संकरण कराते हैं, यानी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है दो जीवों के मध्य होगा, एक तो F1 हाइब्रिड या फिर प्रभावी समलक्षणी वाला जीव होगा, और दूसरा जो होगा वो जनक पीढ़ी से हम अप्रभावी लक्षण का जनक लेंगे।
अप्रभावी लक्षण का जनक लगे हैं। तो अगर हम इन दोनों के क्रास के फलस्वरूप हमको जो रिजल्ट मिले वो इस तरह से मिले कि 50% जो है संकर पौधे प्राप्त हो जाए और 50% जो है होमोजाइगस शुद्ध रिसेसिव मिल जाए, अप्रभाव मिल जाए, तो फिर ये जो F1 हाइब्रिड होगा ये हेट्रोजाइगस होगा, ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस होगा। तो परीक्षण क्रॉस से एक फायदा ये है हम, लेकिन अगर हम ये क्रॉस जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड, इसका अगर क्रॉस जो है वो हम दूसरे जनक से कराते हैं शुद्ध, ये लंबा पौधा है शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, तो ये जो हमको मिला ये पेरेंटल जनरेशन से मिला, ये F1 का हाइब्रिड है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप, और डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट इसलिए है कि यहाँ इसका प्रभावी युग्म विकल्पी लक्षण उपस्थित है। अब फिनोटाइप हम इसको बाहर से देख करके ये लक्षण निर्धारित कर रहे हैं कि ये लंबा है, तो फिर इनके बीच अगर हम संकरण करा लें तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हम पनेट स्क्वायर डायग्राम बनाए, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, आप किसी भी बना सकते कोई भी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, और ये इस पर कैपिटल टी कैपिटल टी, तो फिर हम करें इसको, तो ये मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, ये भी मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, लेकिन ये अपने गुणों के लिए शुद्ध होगा, ये भी लंबा होगा क्योंकि यहाँ प्रभावी लक्षण उपस्थित है, लेकिन ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होगा, लेकिन बाहर से देखने पर ये लंबा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फिनोटाइप जो इसका होगा वो 100% होगा प्रभावी लक्षण, 100% जो है प्रभावी लक्षण। तो अगर हमको इस तरह का रिजल्ट मिलता है तो हमारा फिर F1 हाइब्रिड, अतः F1 हाइब्रिड जो होगा या फिर डोमिनेंट फिनोटाइप जो होगा वो हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस। तो ये हमारा जो है रिजल्ट है, तो लेकिन टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे कि टेस्ट क्रॉस में ये अशुद्ध लंबा या संकर F1 हाइब्रिड का संकर या फिर प्रभावी समलक्षण का जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए, वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, इसका पता लगाने के लिए हम F1 हाइब्रिड का क्रॉस जो है जनक पीढ़ी के शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले जनक से कराएंगे, ये परीक्षण संकरण का। लेकिन अगर हम संकरण दोनों से कराते हैं, संकरण दोनों से कराते हैं,
यानी F1 हाइब्रिड का संकरण या प्रभावी समलक्षणी का संकरण या क्रॉस शुद्ध जनक से या फिर अशुद्ध जनक से कराते हैं, तो इस प्रकार का जो क्रॉस होगा वो बैक क्रॉस कहलाएगा, यानी एक पूर्वज संकरण कहलाएगा। मतलब संकरण फिर दो प्रकार का होगा, एक जो है एक पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, और एक परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो फिर एक पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस जो होगा वो होगा F1 हाइब्रिड, यानी F1 पीढ़ी का जो संकरण जीव प्राप्त हुआ या डोमिनेंट या डोमिनेंट फिनोटाइप, इनका जब हम क्रॉस कराएंगे रेसेसिव पेरेंट अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक या प्रभावी जनक डोमिनेंट पेरेंट, दोनों में से किसी से भी कराते हैं तो ये संकरण में एक पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस कहलाता है। अब इसमें रिजल्ट क्या है, यदि हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो हमको 50% जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है और 50% जो है वो रिसेसिव मिलता है, लेकिन अगर प्रभावी जनक से कराते हैं तो 100% जो है हमको डोमिनेंट फिनोटाइप मिलता है, 100% डोमिनेंट फिनोटाइप मिलता है। तो एक पूर्व संकरण क्या है या परीक्षण संकरण क्या है, ये बात पूरी हो गई। हम यहाँ प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। एक बैक क्रॉस किसे कहते हैं, दूसरा टेस्ट क्रॉस क्या है, ये दोनों चीज हमने आपको भी समझाया है क्या है, तीसरा बैक क्रॉस एक संकर एक पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में समानता और विषमता क्या है, विषमता का मतलब अंतर क्या है, और परीक्षण क्रॉस यानी टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्रॉस का क्या महत्व है, ये चार प्रश्न हो गए। इन चार प्रश्नों को ऊपर समझाए गए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करिए।